एक ऐसा अद्भुत मार्ग जो वस्तुतः भगवान को जीव तक ले आता है। जीव को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कैसा प्रयास? कोई योग नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई व्रतादि नहीं करना, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। कोई प्रयास मत करो। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हाँ, बताती हूँ क्या करना है। राम ही सुमीरिए, कुछ नहीं करना, केवल उनको याद करना है। याद, याद करना हम सबको आता है। उनको याद करना है और गाइए राम ही, उनको पुकारना है। और कैसी पुकार हो? जैसे एक शिशु की मां भीड़ में खो जाए, मां की उंगली पकड़े था, उंगली छूट गई भीड़ में, और वो खो गया बच्चा, उस बच्चे की स्थिति कैसी होगी? कैसा उसका रुदन होगा? कैसा उसका क्रंदन होगा? कैसी उसकी पुकार होगी? वो एकमात्र सर्वत्र अपनी माँ को ही देखेगा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरी माँ, खोजेगा। और केवल खोजेगा नहीं, आवाज लगाएगा। केवल आवाज लगाएगा नहीं, भीतर से रो रो के उच्च स्वर में, कहीं तो मिल जाए मेरी माँ। ऐसी ही पुकार चाहिए। शिवाजी जी कहते हैं, व्याकुल होकर उन्हें याद करते हुए आंसू बहाओ, दर्शनों की व्याकुलता पैदा करो। ये अद्भुत मार्ग है, भक्ति मार्ग। ये अद्भुत मार्ग है, प्रेम मार्ग। ऐसा प्रेम मार्ग है जिसमें जीव के पास प्रभु चले आते हैं, स्वयं पतवार लेकर। जीव एक ओर खड़ा प्रतीक्षा करता रहता है, पुकारता रहता है, और दूसरी ओर से उसी भक्ति के मार्ग पे चलकर भगवान स्वयं नौके पे बैठकर पतवार लिए खेते हुए जीव के पास आते हैं और अपनी उंगली का सहारा देते हैं और उसी नाव में बिठाकर भवसिंधु पार कराते हैं। दीन की सुन लो दीना नाथ। शिवाजी कह रहे हैं, बूढ़त हो भव सिंधु दयामय, पकरी ले अब हाथ, दीन की सुन लो दीना नाथ। यह है अद्भुत मार्ग, भक्ति मार्ग।